नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूबडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूबडी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके मार्च अप्रैल 2022 में ओपन बुक एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको टोटल कितना टाइम मिलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने जारी की है 10th of March 2022 को, उसके बेसिस पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी गाइडलाइंस है उनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ साथ ऊपर कार्ड में भी आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर उस वीडियो को देखें ताकि ऐसी कुछ आप गलती ना कर दें जिसकी वजह से आपका रिजल्ट लेट आए या फिर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आपको कितना टाइम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग दिव्यांग कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो टोटल टाइम होगा वो 4 घंटे का होगा। 4 घंटे में से 3 घंटे आपको मिलेंगे अपने पेपर अटेम्प्टेशन यानी आंसर्स लिखने के, और जो 1 घंटा है वो मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, पीडीएफ बनाने का आंसर स्क्रिप्ट की, और आंसर स्क्रिप्ट को अपलोड करने का। ये हो गए टोटल 4 घंटे जो आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। लेकिन आपके पोर्टल में है जो होगा टाइमर, वो 5 घंटे के लिए चलता होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, किसी भी वजह से आप 4 घंटे के अंदर पेपर अपलोड नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या आपके कैमरे में प्रॉब्लम आ गई, पीडीएफ नहीं बन पा रही, तो एक्स्ट्रा 1 घंटे के अंदर अंदर आप पोर्टल पे ही अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रूफ आपको देना पड़ सकता है कि भाई ये स्क्रीनशॉट है, ये नेट नहीं चल रहा था इतने टाइम पे, ये इशू आ रहा था, तो जो भी है उसका प्रूफ आपसे मांग सकते हैं। अगर आप 5 घंटे में भी अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप नोडल ऑफिसर के पास ईमेल पे अपना आंसर स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हैं। मतलब 5 घंटे में भी जो भी प्रॉब्लम है कि भाई नेट चला ही नहीं, तो एक्स्ट्रा 30 मिनट है कि भाई 5 घंटे के बाद आप नोडल ऑफिसर के पास अपनी आंसर स्क्रिप्ट सेंड कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर होता है कि जो दिव्यांग या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर नहीं है उनको टोटल 4 घंटे पेपर अटेम्प्टेशन लगा लो, 4 घंटे मतलब आपको लीगली मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा जो 1 घंटा है वो आपके लिए जो भी टेक्निकल ग्लिचेज हैं उनके लिए आपको दिया जा रहा है। उसके बाद भी अगर ग्लिचेज ठीक नहीं हो रहे तो एक्स्ट्रा 30 मिनट आप नोडल ऑफिसर के पास भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कितना टाइम है। तो जो आपका टाइम होगा वो 4+1 आवर होगा, मतलब 4 घंटे आपको पेपर लिखने के दिए जाएंगे, 1 घंटे आपको पेपर अपलोड डाउनलोड पीडीएफ और अपलोड करने का दिया जाएगा। तो जो भी लीगली आपको मिल रहे हैं वो 5 घंटे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी वजह से अपना पेपर अपलोड नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल ग्लिच हो जाती है, तो एक्स्ट्रा 1 घंटा आपको दिया जा रहा है कि आप उस घंटे के अंदर अपना पेपर अपलोड कर दें। नेट वगैरह का इशू आ रहा है, मतलब जो भी इशू आ रहा है, लेकिन उसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह अपने पास रखेंगे कि भाई अगर यूनिवर्सिटी मांगती है कि भाई ये इशू था या नहीं था, तो आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। तो जो टोटल लीगल टाइम है आपके लिए 5 घंटे का है, 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, और उसके बाद भी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते 6 घंटे के अंदर अंदर, फिर आप नोडल ऑफिसर के पास सेंड कर सकते हैं। 30 मिनट में नोडल ऑफिसर के पास, 6 घंटे के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर आपको नोडल ऑफिसर के पास जो भी अपनी आंसर स्क्रिप्ट है वो सेंड करनी। फ्रेंड्स, एक अलग से कैटेगरी है पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग कैटेगरी, इसमें मेंशन है उनके लिए 6 घंटे का टाइम दिया गया है और एक अलग नोटिफिकेशन जारी की है। उस नोटिफिकेशन की मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको एक बार थोड़ा पढ़ लेना। लेकिन जो उस यहाँ पे मेंशन है टोटल 6 आवर्स का टाइम दिव्यांग कैटेगरी के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे टाइम पे कई स्टूडेंट्स ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही 4 घंटे पूरे हो गए तो पैनिक में आ गए कि हम 4 घंटे के अंदर अपलोड नहीं कर पाए। उन्होंने फिर 5th आवर में पोर्टल में अपलोड ना करके डायरेक्ट जो नोडल ऑफिसर है उनके पास आंसर स्क्रिप्ट भेज दी थी। तो ऐसा नहीं करना है, 5 घंटे तक आपको पोर्टल में ही अपने आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करनी है 6th आवर में, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो 7th आवर में आपको जो भी नोडल ऑफिसर है उनके पास भेजनी है। मतलब हड़बड़ी में ये गलती नहीं करनी कि 4 घंटे पूरे हो गए तो मैं फटाफट उनको भेज देता हूँ नोडल ऑफिसर को, ऐसा नहीं। आपको आंसर स्क्रिप्ट 5 घंटे के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो पोर्टल के ऊपर आपकी आंसर स्क्रिप्ट अपलोड होगी।
मोटा मोटी बात बोलूं तो जब तक पोर्टल आपका आंसर स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करेगा तब तक आपको वहीं अपलोड करनी है। सो फ्रेंड्स आई होप ये सारी डाउट्स आपकी क्लियर होती हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और DUBT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।